स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सलोनी केशव पांडे में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि फरवरी और मार्च में कौन सी सब्जियां हैं जो आप अपने किचन गार्डन में बड़ी ही आसानी से उगा सकते हैं और अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक कृषि करके, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करके अपने परिवार के लिए पेस्टिसाइड रहित सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हर सब्जी में चाहिए ही चाहिए धनिया। दोस्तों अक्सर धनिया उगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसका जो बीज है वो बड़ा हार्ड होता है, तो काफ़ी समय लग जाता है इसको उगने में। कभी कभी तो 10-15 दिन बाद भी ये उगता नहीं है। तो इसको आप धनिया का बीज ला करके और उसको कम से कम 24 घंटे के लिए गला दें। गलाने के बाद फिर एक कागज़ पर रख के उसको सुखा लें और सुखाने के बाद में बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज धूप में ना सुखाएं उसको, हल्का सा बस वो कि उस कागज़ से चिपके नहीं इतना सुखा लें। सुखाने के बाद में मिट्टी तैयार करके और मिट्टी में बीज को दबा के, दोस्तों इसको उगाने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप इसको जब मिट्टी से दबा दें उसके बाद में किसी भी पॉलीथीन से या बोरी से या फिर जो सीमेंट के कट्टे होते हैं उनसे इसको ढक दें। इसको ढक देंगे आप तो ये निश्चित रूप से 2 या 3 दिन में अंकुरण इसका हो जाता है। और अगर आप इसको नहीं ढकेंगे तो होता क्या है कि ऊपर की सतह बहुत तेज़ी से सूखती है डायरेक्ट सनलाइट में, तो फिर इसको अंकुरण में दिक्कत आती है। तो ये कभी कभी 15-15 दिन तक नहीं उगता है और ज़्यादा वाटरिंग करने से फिर बीज अंदर ही अंदर सड़ जाता है। तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है इसकी कि इसको ढक दें, ढकने से ये बहुत तेज़ी से इसका जर्मिनेशन होता है। तो ये धनिया हो गया, बेसिक आवश्यकता है किचन की। इसके बाद देखिए ये मेरे टमाटर हो रहे हैं जो मैंने मानसून में लगाए थे जाड़ों में, इनसे काफ़ी टमाटर मिले। अभी देखिए अभी भी इस पर ढेर सारे टमाटर हैं और टमाटर लाल भी हो रहे हैं। कई बार मैं इनसे हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ, ये देखिए कई बार हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ, फिर भी अभी भी इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये देखिए, लेकिन दोस्तों अब ये पौधों से आपको पता चल रहा होगा पौधे पीले पड़ने लग गए, तो कुल मिला के अब इसका समय समाप्त होने वाला है। ये जाली दोस्तों बंदरों से बचाने के लिए मैंने लगाई है क्योंकि यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, तो वो खाते कम है और बिगाड़ते जाना है, तो इसलिए जाली लगानी पड़ी। ये देखिए अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, ये पके हुए टमाटर आपको दिख रहे होंगे अभी। तो ये अब चूँकि अब ये टमाटर के पौधे पीले पड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं, ये देखिए, तो हमें गर्मी के लिए टमाटर तैयार करने हैं। उसके लिए पौध अपने घर पे ही तैयार कर लें आप। ये देखिए मैंने पौध तैयार करी है, ये पौध आप भी घर पे तैयार कर सकते हैं। ये मैंने 10 फरवरी को लगाई थी और करीब जब महीने भर की हो जाएगी तो मैं इनको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दूँगा यहाँ से दूर दूर, ये अभी बहुत पास पास है तो यहाँ इनकी ग्रोथ हो नहीं पाएगी। केवल ये पौध है जो कि ऐसे ही लगती है पास पास, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे 1 महीने बाद करीब 15 मार्च के आसपास मैं इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा। दोस्तों इसमें भी वही आप तकनीक लगाएं कि इनको जब आप लगा दें तो लगाने के बाद पॉलीथीन से ज़रूर कवर कर दें, बहुत तेज़ी से जर्मिनेट होंगे। पॉलीथीन से आप कवर नहीं करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगली सब्जी देखिए दोस्तों, ये देखिए ये मैंने लगाया हुआ है और ये अभी लगाया था मैंने 3-4 दिन पहले ही, कितनी तेज़ी से इसका जर्मिनेशन हुआ है। ये है पालक, ये पालक देखिए आप, काफ़ी तेज़ी से इसका बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। और इसको भी मैंने पॉलीथीन से ढका था दोस्तों, बिना पॉलीथीन से ढके या बिना किसी बोरी के कट्टे के ढके ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो इसलिए जल्दी जर्मिनेशन के लिए आप इनको ढकें ज़रूर। और ये देखिए मेरा पुराना पालक जो अभी तक हम लोग खा रहे थे, लेकिन
जब इसकी हार्वेस्टिंग पूरी हो गई, जब कई बार इसने हमें पालक दे दिया, तो अब ये लंबा लंबा बढ़ने लग गया। और देखिए इस पे बीज आ गया है दोस्तों। अपने घर का बीज प्राप्त करने के लिए आप इसको बड़ा कर लें। जब ये लंबा होने लग जाए तो इससे हार्वेस्टिंग करना बंद कर दें, क्योंकि फिर उसमें से खाने योग्य पालक नहीं निकलेगा, वो फिर बीज के लिए चला जाता है पौधा। जब ये सूख जाएगा बीज, तो आप इसको बीज के रूप में संग्रह करके रख सकते हैं। ये देखिए ढेर सारा बीज हो जाएगा मेरे पास। और पहले भी इसमें भी मैंने जो बीज यूज किया वो घर का ही था, जो पिछली बार मैंने उतारा था पालक के पेड़ पे से, वही बीज मैंने इसमें लगाया है, बाहर से नहीं लिया। तो ये पालक को उगाना तो खैर सबसे सरल होता है, बहुत ईजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करता ये। अगली सब्जी जो आप लगा सकते हैं फरवरी मार्च में, वो देखिए अपने किचन गार्डन में, ये बैंगन की पौध है। बैंगन की पौध पहले मैं नहीं कर पाया कभी इसको, हर बार कभी उगा ही नहीं। जब मैं इसके बीज लगाता था तो कभी उगे ही नहीं, और उसकी वजह यही थी दोस्तों कि मैं इसको ओपन छोड़ देता था। अब चूंकि डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो सनलाइट से क्या होता है कि ये इसकी जो सतह है वो सूख जाती है, और फिर इसमें या तो आप बार बार हर समय वाटरिंग करते रहो, ये संभव होता नहीं है कि आप हर समय वाटरिंग करते रहो, और हर समय वाटरिंग अगर आप करोगे तो बीज गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए इसको ढक के रखें जब तक कि ये जर्मिनेट ना हो जाए, और ये पक्का फिर जर्मिनेट होगा। ये देखिए थोड़ी बहुत खरपतवार भी हो गई है, इनको मैं निकालूंगा अभी। तो जब ये भी पौध एक महीने से ऊपर की हो जाए, तब इसको यहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। आप भी ऐसे ही करें, इनको दूर दूर लगाना पड़ेगा तभी ये ग्रोथ करेंगे अच्छे से। तो ये हो गई बैंगन की सब्जी। अब चलते हैं अगली सब्जी पर। देखिए ये देखिए, ये आप पहचानिए क्या है, ये है शिमला मिर्च। ये भी मैंने सारी सीडलिंग जो लगाई थी, सारी पौध मैंने एक साथ लगाई थी 10 फरवरी के आसपास। देखिए बड़े अच्छे से जर्मिनेट हुई है। पहले मुझे लग रहा था ये होगी नहीं, पहले कभी हुई भी नहीं थी, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है ये। देखिए काफ़ी स्वस्थ पौधा है इसका। तो ये भी आपको सेम तरीके से लगानी है, बीज लगाने के बाद मिट्टी में इसको ढकें ज़रूर, बस नमी बनाए रखें, ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत कम पानी भी नहीं देना है, ऊपरी सतह सूखनी नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो ये फिर गल जाएगा बीज। तो ये भी दोस्तों करीब महीने भर बाद इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, थोड़ा दूर दूर लगा के। अभी ये बहुत पास है आपको, मोबाइल में भले ही दूर दूर दिख रही होगी लेकिन बहुत पास पास है ये। तो ये हो गई आपकी अगली सब्जी। अगली सब्जी देखिए ये मूलियाँ। मूली आप लगा सकते हैं 15 फरवरी के आसपास। 15 फरवरी के आसपास आप लगाएंगे तो गर्मियों में इनसे मूलियाँ प्राप्त होती रहेंगी आपको। ये मेरी देखिए सेंगुरी हो रही है यहाँ पे बगल में, अभी भी इनसे सेंगुरी आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने लगाया है दूर मेड़ बना करके, ये देखिए ककड़ी, गर्मी में सबकी फेवरेट ककड़ी। ककड़ी के पास मैं उधर मैंने खीरा भी लगाया हुआ है, तो ककड़ी और खीरा भी आप लगा सकते हैं फरवरी मार्च में, बड़े अच्छे से ग्रो होती है। बस इसके लिए ध्यान रखें आप कि मिट्टी जो है बलुई होनी चाहिए इसके लिए, आधी लगभग बलुई मिट्टी, आधी लगभग खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद। ये मिट्टी आप तैयार करें तभी इसको लगाएं मेड़ पर। ये देखिए मैंने सेम लगाई हुई है, पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है इसका, ये देखिए ऊपर जा रहा है। ये मेरा नींबू का पेड़ है जो कि काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसके बाद ये करी पत्ता, करी पत्ता के बाद ये फिर से आपको नीचे मूलियां दिखाई देंगी यहाँ पे। ये देखिए ये मूलियां, मूलियों के पौधे, ये मैंने
मेड़ बना के लगाएं दोस्तों, मेड़ बना के आप लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। उधर मेरा सामने लगे हुए हैं, मैंने बताया था अभी आपको, खीरा। ये मेरी सेम की दूसरी बेल है, दो बेल मैंने लगाई है सेम की, बड़े अच्छे से ये ग्रोथ हो रही है इसकी। ये देखिए, मैंने इसको रस्सी से ऊपर चढ़ाया है, करीब 6 फुट की हो चुकी है, तो इससे भी गर्मियों से पहले सेम जरूर प्राप्त होंगी। अभी ये देखिए, अगली सब्जी जो आप लगा सकते हैं, ये असल में अगली नहीं, ये तो वही है, ये कुछ बीज मेरे बचे थे तो मैंने ये ग्लास में ही छोड़ दिए हैं, इनको मैं किसी ग्रो बैग में लगाऊंगा। ये ककड़ी के, ककड़ी की पौधे है जो मैंने ऐसे ही तैयार करी थी पहले ग्लास में, लेकिन जगह नहीं बची है तो अब मैंने इनको ग्लास में ही छोड़ दिया है। फिलहाल इनको मैं ट्रांसफ़र करूंगा। इसके बाद हमारी देखिए अगली सब्जी, ये मेरी सेंगुरी हो रही है पहले से ही, अभी भी इनसे सेंगुरी आ रही है काफ़ी मात्रा में। ये देखिए, ये मैंने गर्मियों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सब्जी, ये खीरा का पौधा है दोस्तों, सॉरी खीरा नहीं, ये लौकी का पौधा है, और कम से कम 2 या 3 बेल में लगाऊंगा। वैसे तो एक पौधे से ही काफ़ी लौकियां आ जाती हैं, लेकिन आपको लगातार लौकी प्राप्त होती रहे उसके लिए 2 या 3 पेड़ लगा लें अगर आपके पास स्पेस है तो। और वो सामने मैंने इसके सामने लगाया हुआ है, ये देखिए, ये पंपकिन है, मैंने गिलास में लगाए थे दोनों पौधे उग गए, तो मैंने दोनों को ही बिना छेड़े एक साथ लगा दिया है जिससे कि इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। तो ये 2 पौधे हैं पंपकिन के, यानी कि कद्दू, जो गर्मियों की ही फसल है सबसे ज़्यादा। तो अभी के अलावा ये देखिए मित्रों, ये मैंने पौध तैयार कर रहा हूँ मैं खरबूजे की, और इधर है ये तरबूजा। तो खरबूजा और तरबूजा भी आप ऐसे पहले इनकी सीडलिंग कर लें प्लास्टिक के ग्लास में या सीडलिंग ट्रे में, उसके बाद ट्रांसफ़र करें। ये मेरे इसमें छोटे से कंटेनर में ये मैंने पपीता लगा दिया था, और अभी इसका जर्मिनेशन, जैसे ही थोड़ी सी गर्मियां शुरू हुई हैं तो इनका भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इस तरह से आप देखिए पौध तैयार करें, ऊपर से भी उसको ढक दें किसी प्लास्टिक के गिलास से। जब आप इसको ऊपर से ढक देते हैं ना तो इसको उचित वातावरण मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है, और ये बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें से, देखिए बीज में से निकल रहा है पौधा, ये वही पंपकिन। देखिए ऊपर का सीड कोट अभी उतरा नहीं है, जर्मिनेशन हो गया है, तो इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा जब ये 4 पत्तियां इसमें आ जाएंगी। और ये देखिए, ये दोस्तों है हमारा लॉक, सॉरी गिलकी बोलते हैं कहीं कहीं पे, हमारे यहाँ इसको तोरई बोलते हैं। वैसे तोरई में और गिलकी में थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसको गिलकी ही बोलूँगा मैं। ये गिलकी के पौध मेरी तैयार हो रही है, इसको 1-2 दिन में मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो आप जब भी पौधा लगाएं इस तरह के, तो इनको इसी तरह प्लास्टिक के गिलास में पहले जर्मिनेट कर लें, 4 पत्ते हो जाए तभी इनको ट्रांसफ़र करें, तो ये पक्का आपके अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो मैं बाकी दिखाता हूँ मेरी इस किचन गार्डन में क्या क्या हो रहा है। ये देखिए पपीता, ये एक और पपीता, इसके बाद मैं यहाँ देखिए ये केले का पौधा है, यहाँ ये सरसों का एक पेड़ उग गया था तो मैंने इसको काटा नहीं, अब देखिए इस पर कितनी ज़ोरदार फलियाँ आ रही हैं, ये अपने आप हो गया था तो मैंने इसको काटा नहीं। इधर ये पौधा है करौंदा का,
जो कि अपनी ग्रोथ पकड़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया। के बाद ये अशोक, अशोक के बाद देखिए ये मेरे अमरूद के पौधे जो अब अच्छे से ग्रोथ दोबारा पकड़ रहे हैं। अभी देखिए मैंने दोस्तों गर्मियों के लिए एक चीज़ और लगाई है, एक सब्ज़ी आपको पीछे दिख रही होगी अमरूद, अमरूद के पीछे ये है खीरा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो बाद में लगाया था, ये मैं पहले लगाया था 15-20 दिन पहले। तो इसकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए इधर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो ये भी बहुत जल्दी तैयार होने वाले हैं गर्मियों में, गर्मी आने से पहले ही ये तैयार हो जाएंगे। अब नीचे देखिए इसके मैंने मेड़ बना के भिंडी लगाई है दोस्तों, गर्मियों की मुख्य जो सब्जी है। ये देखिए भिंडी जर्मिनेट हो गई है, आपको दिख रही होगी दो पत्तों में, ये बाद में लगाई थी, जो पहले लगाई थी उस पर चार पत्ते आ चुके हैं। ये देखिए ये सारी भिंडी, ये देखिए यहाँ पे इस पर चार पत्ते आ चुके हैं। ये देखिए तो दोस्तों इतनी सारी सब्जियां आप गर्मियों में लगा सकते हैं, अगर आपके पास जगह है, जगह कम है तो आप कम लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर और अपने घर पे जितना हो सके ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग ज़रूर करें, और अपने बच्चों को अपने परिवार के लिए पेस्टिसाइड रहित सब्जियां उगाने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।